सो गाइज, अगर आप एक 5G स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं और आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि कौन सा 5G स्मार्टफोन लें और कौन सा 5G स्मार्टफोन नहीं लें, किसकी प्राइस हाई है और किसके स्पेसिफिकेशन में कुछ खास हैं या फिर नहीं, तो ऐसे में दोस्तों प्राइस को लेके, स्पेसिफिकेशन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो चुके हैं कि कौन सा 5G स्मार्टफोन लें, तो आज के इस वीडियो में आपको एक बेस्ट प्राइस के अंदर बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला 5G स्मार्टफोन लेके आया हूँ जो आपके लिए हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो 5G स्मार्टफोन आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। उसके पीछे के रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो मुझे अच्छा लगे तो यार लाइक कीजिए, वीडियो बने आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे उसी 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि इंडिया में सबसे लोवेस्ट प्राइस के अंदर 5G स्मार्टफोन आने वाला है। इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है जो कि सबसे लो प्राइस के अंदर 5G स्मार्टफोन है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम है दोस्तों ओप्पो, और दोस्तों ओप्पो के A74 5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इसकी लॉन्चिंग के बारे में बात करूं, दोस्तों 5 अप्रैल को ओप्पो ने इंडिया के अंदर इसको लॉन्च किया है, और दोस्तों काफी गजब का स्मार्टफोन यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों काफी खतरनाक स्पेसिफिकेशन के साथ ये आने वाला स्मार्टफोन है जो कि ओप्पो की तरफ से आता है। और दोस्तों मैं कभी ओप्पो के और वो के रियलमी के फ़ोन किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूं, बट दोस्तों इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ओप्पो का अगर आप कोई भी 5G फ़ोन परचेस करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ओप्पो का A74 5G स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों इस प्राइस के अंदर काफ़ी गजब की स्पेसिफिकेशन के साथ आता है 5G कनेक्टिविटी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.48 इंच की फुल HD प्लस वाली पंच होल वाली HD प्लस यानी कि दोस्तों LCD आपको यहां पर देखने को मिलती है, यानी काफी ज्यादा तगड़ी स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलती है। 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट है इसका, उसके बाद दोस्तों इसमें काफ़ी 4096 का इसमें ब्राइटनेस लेवल हैं, और काफ़ी गजब की यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और दूसरी जो चीज़ अपन स्मार्टफोन के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर क्या है। तो दोस्तों इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 480 जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर के अंदर आप को इस प्राइस के अंदर 5G स्मार्टफोन कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कराएगी। अगर दोस्तों बात करें इसके रैम और रोम की, तो दोस्तों आपको मिल जाएगी यहाँ पर 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज। उसके बाद दोस्तों इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, आपको एक एक्सटर्नल ऑप्शन और भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो 5000mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगी, दमदार बैटरी 5000mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इस स्मार्टफोन का वो ये है कि इसका रियर कैम और फ्रंट कैम, इसका जो रियर कैम है ट्रिपल रियर कैम यहां पर आपको देखने को मिलते हैं 48 मेगापिक्सल के साथ दोस्तों, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर शॉट के लिए दोस्तों यहां पर काफी गजब के कैमराज दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रंट कैम की बात करें, तो 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैम देखने को मिलता है, आपको USB-C टाइप केबल और USB-C टाइप पोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm हेड जैक का आपको यहां पर देखने को मिलता है, 5G कनेक्टिविटी के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, और दोस्तों लेटेस्ट ओप्पो की कलर OS 11 के साथ और एंड्रॉइड 11 के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफी गजब स्पेसिफिकेशन के साथ और काफी गजब प्राइस के साथ ये फोन आया है, और दोस्तों ये फोन लॉन्च हो चुका है और आप इसको परचेज कर सकते हैं Amazon पर। और दोस्तों Amazon पर मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप ये फोन परचेज कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, काफी लो प्राइस के ऊपर ये फोन आपको यहां पर देखने को मिलता है, एक 5G स्मार्टफोन इंडिया का सबसे लोवेस्ट प्राइस के अंदर मिलने वाला 5G स्मार्टफोन 17,790 रुपए के अंदर इसकी प्राइस है, और दोस्तों ये मिल रहा है आपको Amazon.in पर, तो आप डेफिनेटली Amazon.in से परचेज कर सकते हैं।
हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक से आप परचेज कर लीजिए और आप ये फ़ोन ले सकते हैं। काफ़ी गजब का स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओप्पो की तरफ से। तो दोस्तों कैसा लगा ये स्मार्टफोन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाकी इस वीडियो के बारे में भी कुछ भी लिख देना अपने ओपिनियंस इस कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में बस यही था, वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।